पटना में आर्टिफिशियल ज्वेलरी दुकान में लूटपाट का विरोध करने पर युवक को मारी गोली, मौत। राजधानी पटना के कंकड़बाग स्थित एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी दुकान में अपराधियों ने एक युवक मनीष कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी। हम यहां पर मौजूद नहीं थे, ठीक है। हाँ, जो बताया गया कि सचिन कुमार हमारे भैया यहां पर जॉब करते हैं, वो काउंटर पर बैठे हुए थे। अपराधियों दो की संख्या में अंदर घुसे और जैसे ही सचिन कुमार ने पूछा क्या चाहिए भाई, तो उन्होंने कहा बंदूक दिखाकर तुम अपना काम करो बैठ के, हमको जो करना हम कर लेंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही एक लेडीज स्टाफ है, उनके हस्बैंड मनीष कुमार नाम हुआ, तो वो अपनी वाइफ को पिक करने आए, तो अंदर कुछ हलचल देखे तो वो इंटर किए दुकान में। जैसे ही अंदर घुसे तो अपराधियों ने उन पर गोली चला दी, जिसके कारण राजेश्वरी हॉस्पिटल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। जी आपके भैया को जख्मी है? हाँ, हमारे भैया सचिन कुमार को भी सर पे यहाँ पर चोट लगा है, बंदूक के पीछे से मारा गया है। लूटपाट की नहीं करना, लूटपाट हुआ है, आगे का सब डिस्प्ले का सामान और अंदर से कुछ सामान ले गए हैं लोग। नाम बताइए। सौरभ कुमार नाम हुआ मेरा, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी कहते हैं। दो लड़के इसमें विद द पर्पज ऑफ लूट घुसा था, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये है कि एक महिला जो यहाँ पे स्टाफ का काम करती हैं, वो महिला अंदर ही थी और उनके हस्बैंड जो हैं वो उनको लेने आए थे। तो जैसे उन्होंने इंटरप्रेट किया कि अंदर लूट का घटना हो रहा है या उनके मिसेज अंदर हैं, तो एक जाहिर सी बात है कि उनको बचाने का एक इंस्टिंक्ट हर बंदे के अंदर होता है, किसी के रिलेटिव का भी हो। तो जैसे ही वो घुसे तो उनमें से जो एक अपराधी था वो गेट के बगल में था, और जैसे ही गेट के बगल में था वो गेट उसको लगा, वो इम्बैलेंस होके गिरने लगा, और उसको उसको इंटरप्रेट हुआ कि ये मेरे को जो है पकड़ लेंगे या मार देंगे या इस टाइप से विफल हो जाएगा वो। तो उसके बाद एकदम से उसने उसको फायर कर दिया, जिसके क्रम में जो है उनके हस्बैंड थे, जो महिला स्टाफर थी, उनके हस्बैंड को गोली लग गई और इलाज के क्रम में उनको फटाफट राजेश्वर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पे उनकी मृत्यु हो गई। क्या नाम है सर उनका, कहां के रहने वाले थे ये? अभी अभी जो है मनीष नाम है उनका, और बताया जा रहा है कि वो कुमरार साइड के रहने वाले हैं। महिला का नाम खुशबू कुमारी बताया। गोलियां चली हैं? गोली जो उनको लगी है एक बताया जा रहा है, बाकी की पुष्टि जो है घटना की हम लोग कर रहे हैं। आपको पहले हमने बताया है कि दो की संख्या में थे लड़के, यंग लड़के हैं, और बाकी की जो अनुसंधान में मेरे पास आता है मैं आपको अप टू डेट दे दूंगा। इनका जो सामान बना ये बेचते हैं फैशन ज्वेलरी, अभी उसका कितना लूट हुआ है या क्या लेके गए हैं उसका आंकलन हम लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपराधी ये आपको नहीं लगता प्रारंभिक जानकारी है या जो भी प्रोग्रेस होती है आप लोगों के साथ? इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी टाइम्स न्यूज़पेपर दरभंगा।